होली के त्यौहार को देखते हुए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पहल सेवा संस्थान द्वारा होली के मौके पर शहर में नानकशाही स्वांग निकाला गया, जिसमें सेठ जी सेठानी को ऊंट पर बैठाकर बाजारों में बकाया वसूली करने निकले तो सेठानी शहर की रंगत को देखती हुई ऊंट पर बैठी बैठी चल रही थी। वहीं सेठ जी के साथ मुनीम हाथ में बही खाता लेकर बाजार में उगाही करते चल रहे थे। होली के एक दिन पूर्व पिछले कई सालों से सेठ और सेठानी का यह स्वांग निकाला जा रहा है। इस बार स्वांग में सेठ सेठानी के साथ उनकी एक सखी भी मौजूद थी। पहल सेवा संस्थान द्वारा यह आयोजन हर बार होली पर किया जाता है। इसमें राधा कृष्ण बने कलाकारों ने आमजन सहित दुकानदारों पर फूल बरसाए। जहां से भी स्वांग गुजरा उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस मौके पर संस्था से जुड़े जितेंद्र गोयल, सुनील चौधरी, मनोज चौहान, दिनेश भार्गव आदि मौजूद रहे। पहल सेवा संस्थान द्वारा विगत 15 सालों से ये स्वांग निकाला जा रहा है। ये एक नागौरी स्वांग है जो नागौर से निकल के आया था, तो लगभग अलवर में निकलते हुए 150 वर्ष हो गए इसको। तो 15 साल से पहल सेवा संस्थान के पदाधिकारी माननीय जितेंद्र गोयल जी और पूरी टीम, हमारे संरक्षक सुनील चौधरी जी और मनोज चौहान जी, सारी टीम 15 वर्ष से इस कार्य को, पुरानी परंपरा को बचाए हुए हैं। और ये स्वांग एक ऐसा स्वांग है, इसमें होली की गुदगुदी और ये सब चीज़ें लोग साल भर में इंतज़ार करते हैं। और इस स्वांग में क्या है, सेठ होता है और एक फ़कीर होता है। सेठानी क्या है, बिल्कुल जवान होती है, तो उस जवान सेठानी को ऊँट पे बैठा के ले जाते हैं, सेठ ले जाता है, इसीलिए ले जाता है कि फ़कीर या कोई और लोग उसको छेड़े नहीं। तो ये एक होली की हंसी ठिठोली के रूप में इसको मनाया जाता है और ये एक परंपरा पुरानी बचाए हुए पहल सेवा संस्थान, उसको साधुवाद में देता हूँ, जो हमको भी इस कार्य में उन्होंने जोड़ रखा है। बस मैं ये कहना चाहूँ। क्या नाम है आपका? शंकर सैनी।